हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस भर्ती 2024 23 अगस्त 2024, पेपर सीट सेकंड। तो पेपर सीट सेकंड का बहुत ही ज़बरदस्त पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा, और एक एक क्वेश्चन का बड़ा आसान और सरल तरीके से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही कराने जा रहे हैं। यह पेपर हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जो कि मैथ का ज़बरदस्त पेपर था। तो इस पेपर के सोल्यूशन को आप देखिए, और आने वाले जो नए एग्ज़ाम हैं आपके 24 अगस्त 25 अगस्त, उन सभी पेपर के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उन्हें आप आसानी से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए बड़े ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 6 आमों की कीमत, देखो यहाँ पर 6 आमों की कीमत कितना दिया है, 90 रुपये दिया है, क्लियर। तो 10 आमों की कीमत, देखिए इधर 6 आम है, इस बार 10 आम इधर लिखेंगे। 10 आमों की कीमत कितना रुपया होगा, बस देख लीजिए, हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हम क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 6 से मैंने इसको काटा 15 बार, क्योंकि 15 6 90 होता है, 15 × 10 करेंगे, 15 × 150, तो 150 रुपया होगा। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ चुका, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने 150 रुपया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो 10 आमों की कीमत होगी 150 रुपया। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की वार्षिक किस्तों में किया जाता है। देखिए वार्षिक किस्तों में किया जाता है, ये किस्त वाला क्वेश्चन है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलता है। तो उधार ली गई कितनी राशि थी, तो देखिए एक राशि का भुगतान 1764 की वार्षिक 2 किस्तों में किया जाता है। यहाँ पर हमारा 2 किस्त होगा, यहाँ पर 2 किस्तों में, वार्षिक 2 किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज है। तो उधार ली गई धनराशि बताए। तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हम इसको करेंगे। ये हमारी किस्त की कीमत बताई गई है 1764 रुपया, क्लियर। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है 5%, तो 5% को हम जानते हैं 5/100, ऐसे लिखते हैं 5 × 5, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, तो 20 ये हमारा मूलधन है और 1 ये हमारा ब्याज होगा, तो मूलधन राशि होगी हमारी 20, रेशों में 1 जोड़ेंगे 21, ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमें से पूछा है उधार ली गई धनराशि कितनी थी, तो मूलधन पर ये लिखेंगे 21/20, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है ये। अगली किस्त फिर 21 लिखेंगे और बटे में, देखिए जबरदस्त ट्रिक है ये, बटे में इन दोनों का जोड़ लिखते हैं, इन दोनों का जोड़ होता है 20 और 21 41, बस। अब इसको हल कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन है ये। इस प्रकार 2 किस्त वाले क्वेश्चन चाहे लाखों आ जाए, तो आप आसानी से इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जब 2 किस्तों वाले क्वेश्चन आए। अब देखिए हम इसको आसानी से हल करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे, 21 अट्टे 168, 8 बचेगा, 21 चौक 84, क्लियर हो गया। फिर 21 से फिर 21 चौक 84, अब देखिए इसकी गुणा करेंगे आसानी से। देखिए 20 चौक 80 गुणा करेंगे इसमें 80, और 41 की गुणा और करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0 8 कम 8, 8 चौक 32, 3240 रुपये। आप चेक कर सकते हैं 3280 रुपये। देखिए 0 8 कम 8, 8 चौक 32, 3280 रुपये होगा मूलधन राशि,
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल सरल और आसान तरीके से करेंगे और जानेंगे एक एक वर्ड कैसे लिखा जाता है, कैसे इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सी और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। सी 18 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिनों में कर सकता है। तो लिखेंगे सी 18 दिनों में और बी उसको 24 दिनों में कर सकता है। क्लियर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वह टोटल कार्य कितना है। देखिए दोनों के दिनों की संख्या से हमें कार्य मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दिनों की संख्या का जो एलसीएम आता है वो एलसीएम आएगा आपका 18 × 72 = 24 × 72। ये हमारा टोटल कार्य आ गया, जिसको सी ने कहा कि मैं इस कार्य को 18 दिनों में, बी कहता है मैं 24 दिनों में करता हूँ। तो सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 18 × 72 4 यूनिट करेगा, और बी करेगा 24 × 72 3 यूनिट करेगा। और अगर हम देखें दोनों एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, एक दिन में 4 × 3 = 7 यूनिट कर लेते हैं। क्लियर। दोनों एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। देखिए एक दिन में 7 यूनिट, तो 8 दिन में 8 × 7 = 56 यूनिट काम करेंगे दोनों द्वारा। तो 72 यूनिट में 56 यूनिट तो उन्होंने काम कर लिया। देखिए 56 घटा देंगे इसमें से, 12 में से 6 गए हमारा 6 बचा, और 6 में से 5 घटाएंगे 1, 16 यूनिट शेष कार्य बचा। इसके बाद सी चला गया। जब सी चला गया तो कार्य करने के लिए वहां पर बी रह गया। तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? शेष कार्य हमारा 16 यूनिट है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा? देखिए 16 यूनिट कार्य को करेगा बी, एक दिन में 3 करेगा, तो 16 को करने में 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 3 दिनों में करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बी शेष कार्य को 5 × 1 = 3 दिनों में कर देता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ए और बी प्रत्येक एक, देखिए ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। तो ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? देखिए सिंपल सा तरीका है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया है ए और बी प्रत्येक एक कार्य 75 दिन में करते हैं। ए भी उस कार्य को 75 दिनों में करता है और बी भी उस कार्य को 75 दिनों में करता है। इस प्रकार यहां पर हमारा एलसीएम आता है 75 ही आएगा। क्लियर। अब देखिए ये टोटल कार्य है हमारा, अब इसको 75 दिन में करता है ये, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा ये? 75 × 75 एक यूनिट। ये भी एक दिन में 75 × 75 एक यूनिट करता है। क्लियर। अब आप देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट करते हैं। क्लियर, ये भी मालूम हो गया। अब देखो उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन इन्हें कुछ दिन काम करके कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 23 दिनों में पूरा किया। अब देखिए यहाँ पर ये है टैग्स, इस टैग को समझना। देखो जैसे ये कोई कार्य है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर ए और बी दोनों साथ चल रहे थे, कार्य करते करते कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। क्लियर है, ए ने कार्य छोड़ दिया। अब बी उस कार्य को करेगा और बी ने जो शेष कार्य रह गया ये यहाँ से यहाँ तक, ये 23 दिनों में उसने पूरा किया, 23 दिनों में। अब यहाँ से आप देखिए बी एक दिन में एक यूनिट करता है, तो 23 दिनों में 23 यूनिट काम करेगा बी। अब टोटल काम यहाँ से यहाँ लो हमारा 75 है, टोटल कार्य हमारा यहाँ से यहाँ तक 75 है। देखिए 23 यूनिट बी ने किया, बचा हुआ कार्य दोनों ने किया। अब देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2,
और सात में से दो घटाएंगे पांच, क्लियर है। शेष कार्य है 52 यूनिट है। अब इस 52 यूनिट को दोनों ने मिलकर काम किया, अब दोनों मिलकर एक दिन में दो यूनिट करते हैं, एक इसने दोनों ने दो यूनिट किया। कार्य है हमारा 52, तो दो से भाग करेंगे इसको, दो से 52 को काटेंगे 26 दिनों में, 26 दुनी 52 होता ना, तो ए ने 26 दिनों तक बी के साथ मिलकर काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, तब शेष कार्य बी ने 23 दिनों में पूरा किया। तो यहाँ पर पूछा है ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा। देखिए ए ने कार्य शुरू होने के 26 दिनों तक काम कराया, तो 26 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ा, तो क्वेश्चन का आंसर रहता है 26 दिन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंपल तरीके से 26 दिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा बहुत सिंपल और सरल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होगी, जैसे किसी वस्तु की कीमत थी 100, अब इसमें 25 की वृद्धि हो गई, तो 5/4 लिख सकते हैं इसको, ऐसे 100 में जोड़ कर लिखेंगे 125/100, तो इसको हल करेंगे 25×5=100, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्लियर। देखिए क्लियर है ये यहाँ तक। तत्पश्चात कीमत को 20% घटाया, इस कीमत को 20% घटाया तो 80 रह गई, देखिए 20×80 20×5=100, ऐसे तो 4/5 80% होता है, 20% घट गई तो 80% रह गया, और फिर 10% बढ़ाया 110, यानी कि 11/10 लिख सकते हैं इसको, 110/100 2 0 ये हट जाएगी, ऊपर नीचे से 1 1 0 तो 11/10 लिखेंगे। तो कीमत में परिणामी वृद्धि बतानी है, अगर 100 से ऊपर जाता है तो वृद्धि होगी, क्लियर। आप देखिए 5 से 5 काटा, 4 से 4, 0 से 0, 11 × 110। अब मुझे मालूम हो गया है 100 से कितना ऊपर गया है ये 10, तो 10% की वृद्धि होगी कीमत में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 10% वृद्धि। लीजिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने, और आप ये भी देख सकते हैं ये रहा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, क्लियर, और ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट होता है ये वाला भी। अब देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका है, ये 10% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत प्यारा और सिंपल सा सवाल जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन से रिलेटेड है, तो एलिगेशन लगेगा यहाँ पर। देखिए क्रम से है, पहली चाय की कीमत 180 रुपये किलो, दूसरी चाय की कीमत 280 रुपये पर केजी की दर से है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 320 रुपये पर केजी पर बेचने से 20% का लाभ हो। देखो पहली चाय की कीमत 180 रुपये पर केजी, दूसरी चाय की कीमत 280 रुपये पर केजी, क्लियर। अब देखिए इनका औसत मूल्य निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे, जब उसने कहा कि मैंने 320 रुपये पर केजी बेचा, तो 20 का लाभ हुआ, यानी कि 6/5, 20% को ऐसे लिख सकते हैं, 120% का 100 बेच 120, ऐसे लिख सकते हैं। विक्रय बराबर विक्रय की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अर्थात इक्वल टू इक्वल लिख सकते हैं, ये वाली कंडीशन इस कंडीशन के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 3 6 और 2 से 160, 16×5=80, 800/3 ये लिखा जाएगा यहाँ पर, 800/3। अब देखिए एलिगेशन में आमने सामने का अंतर करेंगे, देखिए 2884, 840 में से 800 घटाएंगे, 2884, 840 में से 800 घटाएंगे, 40/3 बचा है, क्लियर। अब देखिए 1854, 800 में से घटाएंगे, 0×10 6, 7×5 260 2/3, क्लियर। अब देखिए 3 से 3 काटा, 0 से 0 काटा, 2 से 4 को काटा, 2×2 4, 2 से 26 को काटा 13 बार, ये आ गया हमारा रेशो, 2 और 13 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तो रेशो आ गया हमारा 2:13, यानी कि 2:13 के अनुपात में मिलाया जाएगा। देखिए 2:13 हमारा नहीं बना है, कहीं मिस्टेक है,
एक बात चेक करेंगे, 28, 84, 840, 40 ऑप्शन में देखते हैं। देखते हैं कहाँ मिस्टेक है, ये 280, हाँ 2:13 ये वाले ऑप्शन में, ये यहाँ पर भाई मिस्टेक है, 2:13 बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही है ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 था, अब हमने देखा ऑप्शन डी में 2:13 है, तो बिल्कुल सही है 2:13 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बड़ा आसान सिंपल और इजी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और आने वाली शिफ्ट के क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन आसान करके सिखाए जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट एग्जाम जो आप देंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे, बड़ा सिंपल और आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात, देखिए ए और बी की चालों का अनुपात, ये चालों का अनुपात दिया है, गति यानी कि चाल, 2 और 3 का अनुपात। देखिए जब ए व बी की चालों का अनुपात आ जाए और दूरी निश्चित हो तो चालों के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है, ये उल्टा कर दीजिए, 3 इधर 2 इधर, तो ये समय का रेशो या समय का अनुपात बन जाता है। ये पॉइंट की बात है, ऐसे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में, गंतव्य यानी कि जहां उनका टारगेट है जाने का, जहां उनका मंजिल है जहां पर उन्हें जाना है, उसको गंतव्य कहते हैं। तो ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। देखिए बी द्वारा लिया गया समय 2 के रेशो में, ए द्वारा लिया गया समय 3 के रेशो में, तो ए को बी से 15 मिनट अधिक लगता है। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट अधिक लगता है, यहाँ पर बी से ए को 1 अधिक रेशो में 1 अधिक लगता है, तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अधिक बराबर अधिक, ये तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 15, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 15, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए ए को उस दूरी को तय करने में 15 से 45 मिनट का समय लगेगा, बी को 15 से 30 मिनट का समय लगेगा, क्लियर। अब है पॉइंट की बात, ध्यान से देखो, यदि ए अपनी दुगनी गति कर ले, यानी कि ए अपनी चाल दुगनी कर ले, जब कोई व्यक्ति अपनी चाल दुगनी कर लेता है तो पहले की अपेक्षा उसका समय आधा हो जाएगा। नोट करनी चाहिए बात कि जब चाल दुगनी होती है, चाल दुगनी होती है तो समय आधा हो जाता है, तो समय आधा हो जाता है, ये पॉइंट की बात है, इसको नोट करना चाहिए। जब चाल दुगनी करेंगे तो समय आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है ए दुगनी चाल से गति करता है तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अब समय आधा हो गया, 45 मिनट का आधा 22.5 मिनट, अब उसको उस दूरी को तय करने में समय आधा लगता है जो कि 22.5 मिनट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा सिंपल से तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया, चाल दुगनी करने पर समय आधा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 8, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है उसी समय में, देखो समय निश्चित है ये दिया, उसी समय में यह धनराशि किस दर परसेंट पर 6 गुना हो जाएगी। देखिए 3 गुना होने की स्थिति कैसे होती है, 1 से 3 गुना, कोई धनराशि 1 से 3 गुना हो गई इसका मतलब 2 का ब्याज लगा, और इसी प्रकार का है उसने कि किस प्रतिशत दर पर वह 6 गुना हो जाएगी, 1 से 6 गुना यानी कि 5 का ब्याज, क्लियर, ये आप देख रहे हैं। अब देखिए इसको इक्वल टू इक्वल पोजिशन में लिखिए और क्वेश्चन फिनिश। देखो 5% की दर से 2 का ब्याज, 5% की दर से 2 का ब्याज, अब पूछा है कितने प्रतिशत की दर पर वह 6 गुनी होगी यानी कि 5 का ब्याज,
क्लियर, पाँच का ब्याज लगेगा, छः गुणे है तो पाँच का ब्याज, फिनिश। पाँच पंजे पच्चीस को दो से भाग कर दीजिए 12.5%, पाँच पंजे पच्चीस को दो से काटें 12.5%, तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ब्याज दर होगी 12.5%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा बहुत सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ये रहा देख लीजिए, बहुत ईजी और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन, और इसको बिल्कुल ईजी और सरल शब्दों में आपके सामने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी आसान और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको सेवा से। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही इस क्वेश्चन के अंदर दम है, तो मैंने बताया था अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सरल और आसान हो जाता है। तो देखिए सेवा से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने पर एक व्यक्ति की पेंशन, अब रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती है, अब पेंशन किस तरीके से मिलती है, जो उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान, जिस दिन वह रिटायर हुआ उससे पिछले 3 वर्षों के दौरान, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। अब देखिए ये वर्ड देखिए औसत वेतन, अब औसत क्या होता है आप जानते हैं, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है ना औसत। तो हमें योग निकालना है और उसके बाद पदों की संख्या निकालनी है, तो औसत वेतन के आधे के बराबर है। अब देखिए कैसे निकालना, हमें यहाँ पर योग निकालना है, देखो उसकी पेंशन आ जाएगी, उसने कहा उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान जो उसकी पेंशन है, लिख लेंगे यहाँ पर उसकी जो पेंशन है वह पिछले 3 वर्षों के दौरान 1/1/1983 को 300 रुपये प्रति माह है। देखिए 1/1/1983 से शुरू हो गई 380 रुपये प्रति माह, तो लिख लेंगे 380 रुपये प्रति माह, और 1/10/1983 तक रही है। देखो 1/1/1983 से 1/10/1983 तक, अब कितना समय बैठता है ये, देखिए सन तो वही है 83 बट 1 से 10 तक, यानी कि 9 महीने लगते हैं। देखो 1/1 से 1/10 तक के बीच में 9 महीने तक, तो 9 महीने तक उसकी जो पेंशन की राशि है वो 380 × 9, क्लियर। आगे बढ़ेंगे प्लस, अब आगे की कंडीशन लेंगे 1/10/1983 1/10/1984 1/10/1985 पर 40 रुपये देय राशि की वृद्धि होती है, 40 रुपये देय राशि की वृद्धि होती है, यानी कि इसके बाद उसने अपना हर साल 40 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ से कितना होता है 1/10/83 से 1/10/84 पूरा 1 साल हो गया, 1 साल में यानी कि 12 महीने, और 380 पर 40 रुपये बढ़ेंगे तो ये हो गया 420 पूरे 12 महीने का यहाँ तक, प्लस फिर यहाँ से 1/10/84 से 1/10/85 फिर ये 12 महीने हो गए, फिर 40 रुपये पड़ा 460 रुपये 12 महीने तक, क्लियर ये हो गया यहाँ तक। यदि वह 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता है यानी कि रिटायर होता है, देखो इसके बाद आगे और कितने समय बाद वह व्यक्ति रिटायर हुआ 1/10/85 से 1/1/86, देखो 10वां 11वां 12वां 3 महीने हो गए यहाँ तक आने में, तो 3 महीने तक उसने फिर उसका जो आगे के महीने हैं पर मंथ 40 रुपये बढ़े, यानी 460 से 40 बढ़ाएंगे 500 रुपये हो जाते हैं, कितने महीने तक 3 महीने तक, क्योंकि 1/10/85 से 1/1/86 तक 3 महीने होते हैं, 3 महीने तक 500 रुपये चलता रहा, तो ये उसकी पेंशन का योग हो गया टोटल, इस कंडीशन में उसकी पेंशन का योग। अब हमें औसत निकालना, औसत होता है योग बटे कुल पदों की संख्या, योग हो गया। अब पदों की संख्या कहाँ से लेंगे, इन महीनों की संख्या ही
पदों की कुल संख्या कहलाएगी। देखिए 12 और 12 24 और 9 3 12 36 महीने हो गया। औसत बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। तो उसने कहा है औसत वेतन का आधा। अब देखिए औसत तो ये हो गया पूरा औसत, अब उसका आधा ये। अब इसको हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है। ये रहा पेंशन, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन आसान, बिल्कुल इजी। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। चलिए करें इसको हल। अब छः से कर लीजिए इसको, छः से हो जाएगा हल। ये छः से छः यहाँ पर है, छः यहाँ पर, छः यहाँ हो जाएगा दो ये छः, और छः यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, छः हो जाएगा यहाँ पर। देख लीजिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 380 है, इसका आधा करेंगे, दो एकम दो, दो नम्मा 18, 0 190 गुणा दो, ये होता है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए छः से इजी कर रहे हैं हम इसको, ये हो जाएगा दो तीय छः, ये हो जाएगा 225, 500 है ना, ये 250 हो जाएगा, गुणा दो। क्लियर। अब देखो 6 × 36, 3 × 6 कट गया, और 6 × 12, 6 × 12 और 9 × 18 है, तो 6 × 18 हो जाएगा ये। क्लियर। अब देखिए 3 से और कट जाएगा शायद, ये 3 से नहीं 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, और तो 2 से मैंने इससे काट दिया, 2 से मैंने इसको काटा 125, और 2 ये कटा, और 2 यहाँ से कटा, और 2 से 2 नम्मा 18, 2 पंजे 10। क्लियर। अब देखो बिल्कुल ईजी और सरल हो जाएगा, करते हैं 3 × 15, 3 × 27 रेख 28 प्लस 420 प्लस 460 प्लस 125 बटे में 6 जोड़ेंगे 2 5 और 5 10 हासिल 1 3 अच्छा 3 9 2 11 11 8 19 हासिल 1 2 4 6 4 10 2 12 बटे में 6 6 × 12 6 × 6 = 30 ये आ गया 215 रुपये। क्लियर। चेक कर लीजिए 215 ऑप्शन बी इज राइट, फिनिश। अब देखिए कैलकुलेशन ही थी इसमें और कुछ नहीं, बस माइंड और लैंग्वेज का खेल है ये, बिल्कुल क्वेश्चन तो आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, वही हम तेजी से भी कर सकते हैं आसानी से भी, बट टाइम तो जरूर लेता है। देखिए क्वेश्चन है बट मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन है ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सरल। देखिए किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का यहीं लिखेंगे 120% कितना होगा। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में फिनिश, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, जीरो से मैंने जीरो, 7 से 0.07 × 35 कटिंग, क्या बराबर आ जाएगा 12 × 5 = 60, दो अंक छोड़कर दशमलव, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0.6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आसान करेंगे, बिल्कुल लाजवाब नंबर 1 तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, जबरदस्त। देखिए एक व्यापारी ने 25% लाभ शामिल करने के लिए, देखिए क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 है तो उस पर 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की। देखिए वस्तु की कीमत को कितना बनाया उसने, 125 बनाया। क्लियर।
लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी है। अब इस पर 16 की छूट देगा तो 84% में वह उसको बेचता है, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर, तो उसका वास्तविक लाभ बताए। अब देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से मैंने इसको 21 बार काटा, 21 पंजे 105 में बेचता, सॉरी 21 पंजे 105 में बेचता है। अब देखिए उसका लागत मूल्य 100, विक्रय मूल्य 105, तो लाभ परसेंट होगा उसको 5% का लाभ। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, तो उसको लाभ परसेंट मिलेगा 5% का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए सिंपल आसान बिल्कुल ईजी, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, और मैंने यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट ये वाला कंसेप्ट लगाया है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, जबरदस्त सॉल्यूशन और जबरदस्त ट्रिक। देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक से ये बिल्कुल आसान हो जाता है, और इस टाइप के लाखों क्वेश्चन भी अगर आ जाए सेम इसी टाइप के, जिनमें दो दो पारियों में अंतर होता है, दो दो का पारियों में कितने कितने का अंतर होता है, दो दो का, हर पारी में दो दो का अंतर होता है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और सरल हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कितना आसान है ये क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत रन 40, देखिए 30 पारियों में औसत 40 का बनता है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। देखिए 100 रन अलग लिखेंगे, बाद में इसका यूज करेंगे, 100 रन से अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारी रह जाती है। देखिए दो पारी का अंतर आ गया, यहाँ पर देख सकते हो आप दो पारी का अंतर, 30 से 28 पारी होगी, दो को शामिल नहीं किया गया तो औसत 38 हो जाता है, तो यहाँ पर औसत में भी दो का अंतर आ जाता है। देखिए ये क्लियर, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताए। देखिए अगर न्यूनतम स्कोर पूछा जाए तो इसको बहुत आसान और सरल तरीके से करते हैं, न्यूनतम स्कोर, देखिए यही जबरदस्त टैलेंट है इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर दो का अंतर है, इधर दो का अंतर, तो इसमें दो की गुणा यहाँ पर इसमें करेंगे और इस दो की गुणा यहाँ पर करेंगे, ये वाला टैलेंट है इसमें, तो 30 दुनी 60 हो गया, 30 दुनी 60, ध्यान से देखो, प्लस 38 दुनी 76, क्लियर, और माइनस में कम करना है ना, खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर लाना है, तो ये जो दिया है इसने 100 रन अधिक, इसको घटा देंगे, अगर यहाँ 100 रन कम कहता तो यहाँ अधिक स्कोर कहता तो प्लस हो जाता, बस ये टेक्निक है, और बटे में दो से भाग, पारियों में अंतर दो का है, औसत में अंतर दो का, दो से भाग। चलिए अब इसको आसान करेंगे सिंपल तरीके से, ये हो गया हमारा 606 6 7 6 13 136 माइनस 100 बटे में दो, तो कितना शेष बचा, कितना शेष बचा यहाँ पर, 36 बटे 2 18, दो से भाग देने पर 18 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर था 18, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत प्यारा सुंदर सॉल्यूशन आपके सामने, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत ही इजी तरीके से, वेरी सिंपल मेथड में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आसान बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये, देखिए एक निर्माता एक विशेष घटक के 200 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। यहाँ पर आपूर्ति करने का वचन देता है, इसका मतलब 50 रुपये प्रति पीस बेचने का वचन देता है, ये कहना चाह रहा है ये। कितने घटकों को, 2000 घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से बेचने का वचन देता है, बेचा नहीं अभी तक, वचन दिया अभी, देखिए वचन देता है, बेचा नहीं अभी तक उसने, पर उसकी सोच है कि मैं 50 रुपये प्रति पीस बेचूंगा, है ना, ये वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार जैसे उसने आइडिया लगाया, यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं, देखिए घटक 5% घटक ये वाले,
तो 2000 का 5% है असफल, तो 2000 का 5% होता है 100, 100 असफल हो जाते हैं तो कितने घटक शेष रह जाते हैं 1900, 2000 में से 100 घटक असफल तो 1900 शेष घटक रह जाते हैं, और उन्हें वह 50 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है। क्लियर, कितने में बेचेगा? देखिए 1995 95,000 रुपये में बेचता है, तब भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो देखिए यहां पर विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, इक्वल टू इक्वल लगेगा, यहां पर 95,000 का बेचता है, इधर 25% का लाभ कमाता है, तो इसको लिखेंगे 5/4, क्योंकि हम 25% लाभ 100 में जोड़कर लिखते हैं, 125/100, 25×5=100, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 5/4 सिंपल तरीके से, तो 5/4 इतने में, देखो एक साइड में विक्रय कर रहा है संख्या में, दूरी साइड में परसेंट में, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा। आप 5 से इसको काटेंगे, 19 बार काटेगा ये, 1976,000 विक्रय से विक्रय काटते हैं तो क्रय मूल्य आता है, तो 76,000 जो था उसकी लागत आई थी। देखिए 20,000 टूडो की जो लागत आई थी वो 76,000 रुपये आई थी। क्लियर यहाँ तक? हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया, हालांकि 2000 का 50% घटक यानी कि आधा, अब 2000 में से आधा होता है 1000, 1000 को अस्वीकार कर दिया, शेष 1000 रह गए। क्लियर, उनको 50 रुपये प्रति पीस की दर से वह उसको बेचेगा, तो 50,000 रुपये में बेचता है, गुणा करेंगे तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। देखिए बस फिनिश, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से एक एक वर्ड से चल रहा था मैं, तो लागत आई थी उसकी 76,000 की, बेच रहा है वह उसको 50,000 में, तो देखिए नुकसान हुआ उसको 76,000 में से, विक्रय मूल्य 50,000 घटाएंगे तो 26,000 रुपये का उसको नुकसान हुआ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। चलिए देख लीजिए बहुत ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खलास ये रहा क्वेश्चन का आंसर। मैंने बताया था कि बहुत आसान है, सिंपल है, इजी है, बस माइंड और लैंग्वेज का खेल है इसमें, खत्म। क्वेश्चन नंबर आता है 14, एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर, देखिए विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, 20% आनी हुई, इधर 6400 में बेचा, इधर 20% आनी तो 80% में बेचेगा, तो विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 80% को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए 80% ही लिख दीजिए, ऐसे आसान भी होगा, परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगाई, अब मैंने 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 8×64, 3 जीरो ये लगा दी, 8,000 लागत मूल्य आ गया, ये आ गया लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य आ गया 8,000 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने मैथ के हर एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल ईजी और सरल रूप आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन भी बिल्कुल इजी और सरल होगा, बिल्कुल अलग तरीके से होगा। देखो एक पुराना टू व्हीलर डीलर है, एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है, देखिए पहले बेचा उसने 460 में, और उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह उसे 580 में बेचता तो उसका लाभ उसके हानि का दुगुना होता। देखिए पहली कंडीशन में उसको हानि हुई, तो अब जैसे उसने 580 का बेचा, रेट बढ़ा के बेचा इसका मतलब, तो उसको आने का दुगना लाभ हुआ। क्लियर, तो उसको स्कूटर का क्रय मूल्य बताए। देखिए दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर बराबर अंतर करेंगे, देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा। देखो अंतर कितना है, 0 में से 0 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 120 का अंतर है, और यहाँ हमारा प्लस माइनस जुड़ जाता है अंतर में, तो दोनों का अंतर हो गया 3, एक रेशो की वैल्यू आ गई 40। अगर हम 40 की गुना माइनस 1 में करें तो इसका मतलब हो गया जब उसने 460 में बेचा तो उसे 40 रुपये की हानि हुई, अगर मैंने यहाँ गुणा किया तो 40 रुपये की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य बताए, तो ये 40 रुपये इसमें जोड़ देंगे,
460 जमा 40 तो 500 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए अगर हम इसमें गुणा करें तो लाभ होता है 40 दुनी 80 रुपये का लाभ, विक्रय मूल्य में जो लाभ है घटा दीजिए क्रय मूल्य आ जाएगा। 80 रुपये अगर यहाँ से घटाते हैं तो क्रय मूल्य 500 रुपये आ जाता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। ये रहा बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखिए जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन होगा आपके लिए। एक नाव धारा के विपरीत, देखिए धारा के विपरीत ऐसे चलेगी, सांद जल में धारा का वेग घट जाए, ये सांद जल हो गया, ये भी धारा का वेग हो गया, 80 किलोमीटर 16 घंटे में जाती है, 16×5=80 यानी कि 5 की चाल हो गई, और धारा के साथ इधर ने हो गया, ये धारा के साथ हो, सांद जल में धारा का वेग जुड़ जाता है, तो 72 किलोमीटर 12 घंटे में, 12×6=72 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। देखो 12 से मैंने इसे 12×6=72 और 16×5=80 कोई दिक्कत। अब देखो उसने कहा है बताओ स्थिर जल में नाव की चाल बताओ। देखिए स्थिर जल में नाव की चाल S फॉर सांद जल यानी स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है, तो दोनों चालों के योग का आधा कर देंगे, 6 और 5 11 का आधा हो गया 5.5, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा स्थिर जल में नाव की चाल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपको बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में बताया, अब क्वेश्चन नंबर 17 आता है। एक व्यक्ति सांद जल में 22.5 किलोमीटर एक घंटे में, देखिए सांद जल में 22.5 किलोमीटर एक घंटे में तय करता है, तो सांद जल में चाल होगी उसकी 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यह पता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का दोगुना है, तो धारा की गति पता है, तो दोनों कंडीशन में दूरी समान रहेगी और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। पहले हम धारा की दिशा में चलेंगे, ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा में सांद जल में धारा का वेग जुड़ जाता है ऐसे। अब सांद जल की चाल हमें पता 22.5 है, यहां पर लिख देंगे, और ये धारा के विरुद्ध होता है, सांद जल में से धारा का वेग घट जाएगा, सांद जल में चाल है 22.5 और माइनस धारा का वेग घट जाता है। अब देखिए धारा की दिशा में चलने में एक घंटा और धारा के विरुद्ध चलने में उसे 2 घंटा लगता है, ये हमारा दूरी है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, ये हो गया। अब यहाँ से हमें धारा की गति पता नहीं है यानी कि v का मान निकालना, तो 1 की गुणा यहाँ करेंगे यही आएगा सेम, 2 की गुणा कितना हो गया, सीधी सी बात है 22.5 दूनी 45, 45 में से 22.5 घटाएंगे तो कितना हो जाता है 22.5 ही रहेगा, माइनस का 2v इधर आ जाएगा 3v हो जाएगा, क्लियर। अब इसे कटिंग करेंगे 3×7=21, 3×5=15, 7.5, तो धारा का वेग हो गया 7.5, या ऐसे भी लिख देंगे 7/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का HCF निकालना। देखिए जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो अंश वाली संख्याओं का HCF और हर वाली संख्याओं का LCM निकाला जाता है। अब देखिए HCF क्या होता है, वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। एक है यहाँ, 1 से 2 भी घटेगा, 3 भी 4 भी 1 आ गया। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, 5, 4, 3 का एलसीएम आता है 60। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1/60, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए सिंपल बिल्कुल आसान, शिफ्ट नंबर 2 के सभी सॉल्यूशन आपके लिए आसान और सरल बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आता है 19। 285, 510 और 1440 का एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं, एक ऐसा नंबर या एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, एचसीएफ कहलाता है। जैसे कि भाग का रूल होता है, भाग का रूल होता है कि जब किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 आ जाए
तो डिवाइड वाली संख्या का भी लास्ट डिजिट 5 आएगा, यानी कि ऐसी संख्या जो 285, 510 और 1440 को डिवाइड करती है ऐसी संख्या, तो उसका लास्ट डिजिट नंबर 5 आएगा, क्योंकि 5 से कटने का जो रूल होता है वह ये होता है कि जिस संख्या का इकाई 0 या 5 आ जाए तो वह 5 से कटने वाली संख्या होती है। तो दिए गए ऑप्शन में जिस संख्या का लास्ट डिजिट 5 होगा वह हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये है इसमें ऑप्शन बी इज राइट। तो यहाँ दी गई संख्याओं का एचसीएफ आसानी से एकदम आ सकता है। वैसे और भी तरीके हैं एचसीएफ निकालने के, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये सबसे फास्ट तरीका है, सबसे अच्छा है। तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा 15, ऑप्शन बी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। नाउ धारा का दूसरा सवाल आ गया है, यदि धारा के विपरीत चलने पर, देखिए धारा के विपरीत ऐसे चलते हैं सान जल में धारा का वेग घट जाता है, और धारा की दिशा में ऐसे चलते हैं सान जल में धारा का वेग जुड़ जाता है। अब उसने कहा धारा के विपरीत चलने पर नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, और धारा की गति बतानी है क्या है, धारा का वेग बताना है। यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा से की गति से 50% अधिक है, इधर धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा में गति का 50% अधिक है, तो 50% अधिक को 3/2 लिखते हैं, 2 × 18 = 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चलने वाली जो चाल है वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की गति बताए। तो धारा की गति बताने के लिए दोनों चालों का अंतर बटे दो करते हैं, देखिए अंतर बटे दो करते हैं यहाँ पर, तो दोनों की चालों का अंतर कितना होगा, 27 − 18/2, 9/2, ये 27 में 18 9/2 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिनिश। चेक कर लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, 8 मीटर आधार है और ऊंचाई 16 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, या लिख देंगे आधार गुणा ऊंचाई, एक ही बात है, तो 1/2 आधार 8 ऊंचाई 16, 2 × 8 16 × 64 m². लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 64 m². अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, देखो एक आदमी अपनी यात्रा का पहले 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो देखिए 200 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में तय करेगा, 2.5 में, क्योंकि 80 से इसे भाग करेंगे 2.5 घंटे लगते हैं। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 की चाल से तय करता है, 50 × 200 4 घंटे में तय करता है, तो उसकी यात्रा पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति बताओ। देखिए एवरेज स्पीड निकालनी, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी है 400 किलोमीटर, कुल समय हो गया 4 घंटे 2.5 घंटे 6.5 घंटे हो गया, क्लियर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 0.8 × 10 5 से 13 बार और 5 × 40 = 800। अब देखिए 800 को 13 से भाग करेंगे, 13 × 78 2 हो गए 20, 13 × 13 61 आएगा, देखिए 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, बहुत सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए ये हमारा एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे, पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, जैसे कि किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न खर्चे प्रतिशत में दिए गए हैं, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, देखिए लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य हो गया 40% अधिक 140, क्लियर। यदि अंकित मूल्य 280 है, देखिए ये 140 = 280 के, यानी कि 140 का दुगुना हो गया,
तो इधर लागत मूल्य का दोगुना हो जाएगा 200 रुपये। क्लियर, ये रहा। तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयोग कागज की लागत बताओ। कागज, कागज देखेंगे हमारा 25% है लागत, ये रहा। कागज की लागत बताओ तो 25% एक चौथाई होता है 4×5 50 रुपये आएगा लागत। कागज की लागत आएगी 50 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है और 30 को कॉफी पसंद है। देखिए यहाँ आप वेन आरेख बनाएंगे, यहाँ पर ये चाय वाला हो गया और ये कॉफी। 40 को तो चाय पसंद और 30 को कॉफी पसंद है, और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है। ये 20 को चाय भी और कॉफी भी। अब देखिए चाय वाले 40 है, 20 तो ये, तो 20 ये हो जाएंगे, हो गए 40। कॉफी वाले 30 है, 20 ये और 10 ये। पूछा है तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं, ये रही केवल चाय पसंद करते हैं 20 लोग। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही क्वेश्चन सेट होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया है कि दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं फॉर्मेट से चलता है, चेक कर लीजिए। ये देखिए ये इतना टफ क्वेश्चन भी इसी से ईजी हो जाएगा और आसान। चलिए, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है। देखिए वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है, ये वरिष्ठ अधिकारी हो गए और ये सचिव हो गए, वी फॉर वरिष्ठ एस फॉर सचिव। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले गए, देखिए इनमें से 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते हैं, माइनस हो गया, तो प्रत्येक सचिव के ऊपर, देखिए प्रत्येक का मतलब एक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ये लिख दिया। पहली कंडीशन क्लियर। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी पर जाने से, देखिए 45 वरिष्ठ अधिकारी चले गए, एस माइनस 15 पहला जीव का, तो सचिव तो 15 पहले से ही गए हुए थे, तो 45 वरिष्ठ अधिकारी के जाने पर अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं, ये रहा। तो ज्ञात कीजिए शुरू में कितने सचिव थे, एस का मान निकालना। अब देखिए ये वाली एस माइनस पंद्रह दोनों जगह इक्वल है, इसको वैल्यू बना लीजिए, ये एक वी और बटे में 2, ये आ जाएगा वी बटे 2 बराबर एस माइनस 15, इसकी वैल्यू ये बना ली, तो यहाँ आप फिलअप कर देंगे इधर इधर, ये इधर ये पहुँच जाएगा ऐसे, तो कितना हो गया देखिए 5V माइनस 5×25, क्लियर, और 5×20 22 बराबर एस माइनस 15। एस माइनस 15 की जगह हम वी बटे 2 लिख लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। अब देखिए अब इसको हल कर लेते हैं, 2×10V माइनस 450 बराबर वी, वी दर घटेगा 9V बराबर 450, 9×45 50 वरिष्ठ अधिकारी थे। देखिए वरिष्ठ अधिकारी कितने थे, 50, तो हमें निकालना है सचिव, तो V का मान हम यहाँ पर भरेंगे 50/2 बराबर एस माइनस 15, क्लियर, 2 से काटा 25, 25 में 15 जोड़ेंगे 40 बराबर सचिव, तो सचिव की संख्या थी 40, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बिल्कुल इजी और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन फिनिश।